देखिए, मैं न्यायपालिका के निर्णय से खुश हूँ और बेहद प्रसन्न हूँ, और दिल्ली पुलिस को जांच मिली है और जांच में जहाँ भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, और न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं इस देश के अंदर, और मैं भी न्यायपालिका से बड़ा नहीं हूँ। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, FIR लिखने का आदेश हुआ है, यद्यपि सरकार की तरफ से कहा गया था कि FIR लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और FIR लिखी जा चुकी होगी या लिखी जा रही होगी, और मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूँ, मुझको मैं उस फैसले का स्वागत करता हूँ। सर, किस तरह से देखते हैं, मतलब अब इस जांच के बाद तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा आपके? देखिए, मैं उस समय भी मैंने कोई सवाल नहीं उठाया था जिस समय ओवरसाइट कमेटी बनी थी, उस समय भी कोई सवाल मैंने नहीं खड़ा किया था, और मैंने हर नियम कानून को माना था, और इन लोगों को इंतज़ार करना चाहिए था, इंतज़ार नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक फैसला दिया, और हम तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं लेकिन ये नहीं मानेंगे। सांसद जी, जिस तरह से पहलवानों ने पहले विरोध किया था, फिर हट गए थे, फिर दोबारा आ गए, तो कहीं देखिए, इस पर मुझे नहीं कहना, इस पर बहुत बातें आ चुकी हैं, इस पर मुझे नहीं कहना। हम कह रहे हैं कि मैं हर निर्णय का स्वागत करता हूँ, सरकार ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत किया, IU ने जो जांच कमेटी बनाई उसका स्वागत किया, जो ओवरसाइट कमेटी बनी उसका स्वागत किया, अब मैं इसका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने कर्म पर मुझे भरोसा है, मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है, अब मुझे इंसाफ मिलेगा।